मंडी लोकसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कुल्लू विधानसभा में चुनाव प्रचार करते हुए मणिकरण घाटी के छरोड़ नाला, खराहल घाटी के बारी, पधरू, लग घाटी के धोचक में नुक्कड़ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर व कुल्लू ब्लॉक अध्यक्ष सहित दर्जनों कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में दो बार जनता के सहयोग से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया गया है। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उनके सहयोग से मंडी लोकसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों को सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गयी। बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि जो मैंने काम किया है जनता जानती है कि हमने क्या है। लाहौल स्पीति के लोग जानते हैं जिनके लिए सुरंग बना के दी, मंडी क्षेत्र के लोग जानते हैं कि उनके लिए हमने IIT ला के दी, मेडिकल कॉलेज नेर चौक में ला के दिया, पीने के पानी की स्कीमें, करोड़ों की स्कीमें यहाँ पर हमने ला कर दिए केंद्र से, और उसी तरह से पुल का निर्माण हुआ है, और जो कार्य हैं वो लोगों के सामने लोग जानते हैं। भाजपा के कहने से कोई इसका बड़ा भारी ये जो इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव लोगों पे नहीं होगा। आपको कहा ना, ये भागीदार इसलिए है क्योंकि हमारे कांग्रेस के सरकार ने इनको 50% आरक्षण करके महिलाओं को जिला परिषद में, BDC में, ग्राम पंचायत बढ़ने का मौका दिया है। आज ये जो आई हैं चुनकर, ये जानती हैं कि किसकी वजह से हमारे को ये आरक्षण मिला, किस सरकार ने दिया, और ये बढ़ चढ़ के मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।